और जब नाना नानी जा रहे थे हमारा, भले उनके पास एक दिन स्टे करने का भी समय नहीं था, लेकिन हमने इतना गुजारिश किया और स्पेशली मेरी मम्मी ने कि वो लोग रुके और काफी अच्छा लगा हम लोग जो है साथ में समय बिताए। बाबू उठ चुका है। कोई बात नहीं बाबू, उठ जाओ, नाना नानी आ रहे हैं, फिर मस्ती करना उनके साथ। जी यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं, नाना के पास है। गुल्लू गुल्लू मामा के साथ अब खेल रहे हैं। पूरा साउंड है गंभीर मुद्रा में है। गुल्लू 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 मामा रहा ना हमारा काय गुल्लू ए गुल्लू 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 मालिश करवा रहा है नानी से। मालिश हो रही है नानी से। मालिश हो रही है यहाँ नानी से मालिश चल रहा है। मजा आ रहा है। अब मत बोलना नानी को तेल नहीं लगाई थी नानी तुम है। बोलो मेरी मम्मी भी तेल लगा देती है नानी। बोलो इन्हें मत बोलना जो नानी तुम पोसी है तो हम पोसी है एक भी दिन तेल लगाए तो। अरे मत मसवा। तो बाबू का मालिश हो गया है और मालिश होने के बाद जो है यहाँ एक अपने नए ड्रेस में है। इतने रात में नए ड्रेस। नानी बोली हम अपना एक ड्रेस पहनाते हैं और सबको भी नहीं पहनेगा लेकिन एक जरूर पहने। अच्छा एक ड्रेस नानी चाहती थी अपने रात में पहनाते हैं पर एकदम मैचिंग है नानी के ड्रेस से। नानी को देख रहा है। नानी को देख रहा है। नानी को देख रहा है। बाबू भूल गया बाबा को। भूल गया नाना नानी को। गुल्लू गुल्लू नाना नानी के आते सब भूल गए। बाबा घुमाएंगे। गुल्लू गुल्लू तो जिया के घर से आया हुआ है जी। हम मालदा आम तो मालदा आम को जो है यहाँ पर नीचे लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो रहेगा तो सारा आम जो है खराब हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर लगाया जा रहा है। कल से अब जो है मैंगो शेक पिया जाएगा। तो आज जी घर में कुछ बन रहा है स्पेशल, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उसके लिए नॉन वेज बना हुआ है तो भाई ने बनाया है नॉन वेज सभी के लिए। और जो हम लोग वेज वाले हैं उसके लिए लगता है रोटी दाल सब्जी होगा वही पहले। मीट का ना ऊपर तक आ रहा था। तो लगा ही है। और भूख लग गया। The next day. सुबह सुबह उठ गए हैं जी और मौसम भी बड़ा मस्त है। क्या इसमें चीनी है क्या? चूड़ा। तो अभी चलते हैं जी दुकान। दुकान से कुछ सामान लाना था तो ले आते हैं। नाना भी था दुकान से अभी वर्तमान में। हाँ हल्दी हल्दी। 3 minutes later. और बाबू आगे घूम के। चलिए जी चलते हैं दुकान। ब्रश दे देना का तो देखना अच्छा वाला। नमकीन बिस्किट होगा क्रैक जैक। हाँ वो दे दिया। सूजी दे दिया और एक हल्दी का पैकेट भी दे देना। गुड्डे बिस्कुट चार को दे दिया। ले लिया जी सारा सामान और मौसम जो है क्या मस्त है। ऐसे ही मौसम रहे लेकिन इस तरह से मौसम लगातार रहा जो सोच रहे हैं कि भोज करने का वह भोज शायद होने पाए। ऐसे में तीसरे हफ्ते में सुन रहे हैं कि सावन भी चढ़ जाएगा तो सावन और भादो में कोई भी फंक्शन हमारे यहाँ होता नहीं है लेकिन अगर इस तरह से मौसम रहा तो इस समय लगता है भोज करवाने का फिर कोई फायदा भी नहीं है। तो देखते हैं क्या करना है। नहीं होगा तो फिर सितंबर अक्टूबर में शिफ्ट हो जाएगा पार्टी का डेट। बाबू मेरा खेल रहा है आराम से। अभी तक किसी की नजर नहीं गई है इस पे। जैसे जाएगी वैसे ही रोने लगेगा। अभी समझ रहा है कि मम्मी नहीं लेगी गोदी तो ये आराम से बेड पे खेल रहा है ना। बोलो हाँ बोलो हाँ। अभी आपके ऊपर नजर जाएगा तो रोने लगेगा। अभी खेल रहा है। नजर नहीं आना है। ना। ये आ गया सारा सामान। सारा हल्दी आ गया है। 200 ग्राम वाला पैकेट मिला नहीं फिलहाल। अच्छा जी मिल गया। बढ़िया से हां बढ़िया। One hour later. मतलब नीचा से नीचा से। हां नहीं बाबा पूजा करेंगे ना खाना खा के तब आपको बोतल क्या। तू जो पूरा भूखल रही तब तू आधा बोतल कुछ दिन के बाद पिताजी पूजा करे भोग नहीं चढ़ा दे छोड़ी सबका कहाँ होटल रहता है कहाँ पर दूध रहता है इतनी समझदारी अभी से बैठो। बाबू का हो गया जी नहाया हुआ है। हो गया नहीं नहीं हो गया। और जब हम खाने जा रहे थे तो लगातार मेरी तरफ ये देखे जा रहा था तो सोचा इससे आके मुलाकात कर लेते हैं। बाबू हो गया नहीं नहीं। और ये हमारा खाना लग गया जी। यहाँ पर है चावल दाल दही और एक और भुजिया बना हुआ है आलू और बीन्स का साथ खाने वाला है आम। तो जिया के घर से जी ढेर सारा आम आया हुआ है वो भी मालदा आम। तो मालदा आम काफ़ी अच्छा लगता है मंगवाते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया है जी मालदा आम। रखा जाए
दोपहर में भी खाएंगे, शाम में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे। अच्छा खाना तो कहने नाश्ता लगे। अच्छा हाँ रहे थी जी, अचानक से कॉल आया कि कुछ पार्सल आया है भाई, तो रिसीव कर लेते हैं पार्सल। आ गया पार्सल बाबू का, एक होगा शायद मसाज वाला तेल, एक है उसका ब्रश। जो फाइबर का कनेक्शन लगाने के लिए आ गए हैं, दिक्कत क्या है कि जो फाइबर का कनेक्शन है शायद जहाँ से वो लोग लाइन लाएंगे वो थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो ये लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ से तार खींचा जा सकता है कि नहीं। और बाबा उठ गया, इतना सवेरे तो उठता नहीं था, छुपा रहा है सर, शाम को उठता है, लेकिन छुपा रहा है, अंदर घुस रहा है, नींद आ रही है लगता है अभी, नहीं दिखाएगा आपको शक्कर। नहीं दिखाओगे ना, दोनों समधन लग रहा है, पहली बार एक साथ बैठ के खा रही होगी ना। आई पहली बार तो खाएगी। अच्छा अब बचपन में? बचपन में याद नहीं है। याद नहीं है, खाई होगी आम, मेरी बुआ है ना, हाँ उनकी माँ, मेरी बुआ सास बहू। अच्छा खाई नहीं थी, अब तो दोनों से कोई नहीं है। तो फाइनली जी जियो फाइबर का जो है सेटअप लग रहा है, भाई साहब आगे इंस्टॉलेशन के लिए खींच करके थोड़ा दूर से लाना पड़ रहा है, तो वायर लाने गए थे ये लोग बीच में, तो लेते आए हैं। हाँ ठीक है, ये कस्टमर पर दो घंटा का था देने, तीन मिला रहा तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा डेमो देने में समय। वाईफाई का तो सेटअप हो गया जी, अब सेटअप हो रहा है टीवी का, तो यहाँ पर लगाया जा रहा है। वैसे हम लोग चाह रहे थे कि नीचे लग जाए क्योंकि मम्मी पापा को देखना था, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक लगेगा एक्सटेंडर, वहाँ पर वाईफाई का रेंज जाना चाहिए, तब सेटअप बॉक्स वहाँ पर लगेगा, तो एक्सटेंडर अब मंगवाना पड़ेगा अलग से। A few moments later. जी हमारा भी हो गया नहाना, आज जो है नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है जियो फाइबर का कनेक्शन लग रहा था, तो उसी में जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, देख रेख कर रहे थे, तो फाइनली जी जियो फाइबर तो लग गया है और देख रहे हैं कि स्पीड जो है ठीक है, और साथ में चैनल भी चला करके देखा हमने तो वह सही ही लगा। बस एक चीज मुझे इशू लगा कि अपलोड स्पीड इसका कम है, जैसे इसका डाउनलोड स्पीड हमें मिल रहा है 150 एमबीपीएस का प्लान लिया है, 142 143 इस तरह का मिल रहा है, लेकिन जो अपलोड स्पीड है वह दिख रहा है 42 एमबीपीएस 46 एमबीपीएस, तो ये थोड़ा सा इशू लग रहा है। अच्छा तो पिछला वाला था उसमें तो प्रॉपर हम लोग को डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड सब कुछ मिल जाया करता था, लेकिन ये है कि प्लान थोड़ा सस्ता है और फीचर बहुत कुछ दे दिया गया है, जैसे आपको जितना भी लगभग मेन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एक नेटफ्लिक्स छोड़ करके बाकी सब कुछ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है, उसके बाद जो है 550 टीवी चैनल आपको मिल गया है, और साथ में जो है आपको अनलिमिटेड कॉल भी दे दिया गया है लैंडलाइन में, तो इतना सारा चीज मिल गया है तो यह एक चीज है इग्नोर किया जा सकता है, इतने भी स्पीड में काम चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं चल सकता है। और इधर देख रहे हैं जिया जो है सारा सामान सब समेट रही है, तो जिया के घर से क्या क्या गिफ्ट आया हुआ है बउआ के लिए, माँ के लिए, रितु के लिए, और बाकी जो हमारी दो मौसी है उनके लिए, तो उसका जो वीडियो है एक सेपरेटली लाएंगे, हम चाहते हैं कि वह सब आपके साथ शेयर करें, बाकी आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं मार्केट, मार्केट में कुछ काम है जिया की मम्मी को, तो लेकर के चलते हैं उनको। A few moments later. अभी हम आए हुए हैं जी मार्केट, मार्केट से पहले गए हुए थे पंडित जी के, जिया के मम्मी पापा को जो है मार्केट में कुछ लेना था और एक पंडित जी के पास भी जाना था, तो वहाँ गए और अपना सारा काम तो हो गया है, बस खाली कुछ सामान सब उठाना है, तो वो उठा के सीधा चलेंगे घर। छोहरा का पैकेट दिखाइएगा, 100 रुपये का हाफ किलो, ठीक है यही एक जोड़ दीजिए, कितना काजू 400 रुपये का हो गया हाफ किलो, मखाना 200 रुपये का हो गया हाफ किलो, 140 हो गया छोहरा हाफ किलो, किशमिश हो गया 75 का 815 रुपये। अभी आए हुए थे कपड़े की दुकान, या के लिए कुछ लेना था, यहाँ पर हमने ले लिया, हो गए जी सारी खरीदारी और जल्दी से चलते हैं घर, लग रहा है कुछ आंधी का लक्षण है, इससे पहले कि बारिश में फंस जाए निकल लेते हैं हम लोग।
the next day. तो फाइनली जी जिया के मम्मी पापा तो चले गए और उस समय हमने कुछ भी शूट नहीं किया. जिया उस समय थोड़ी सी भावुक थी और हमें भी अच्छा नहीं लगा उस समय शूट करने में, तो इसलिए हमने शूट नहीं किया. और काफी अच्छा लगा जी, सभी लोग आए थे और यहाँ पर जो है एक दिन स्टे भी किया. भले उनके पास एक दिन स्टे करने का भी समय नहीं था, लेकिन हमने इतना गुजारिश किया और स्पेशली मेरी मम्मी ने कि वो लोग रुके और काफी अच्छा लगा हम लोग जो है साथ में समय बिताए. और जब नाना नानी जा रहे थे, हमारा बाबू जो है उस टाइम घर ही नींद में था और बाबू को जो है दक्षिणा मिला था अपनी नानी से, वो आँख खोल के ले लिया फिर सो गया. अच्छा, वो फिर सो गया उसके बाद. उसके बाद जो है मम्मी जब चली गई तो फिर वो क्या करता था, आँख खोल के थोड़ा सा आँख खोल के देख लेता था हाथ में है कि नहीं, फिर सो जाता. हाथ में पकड़ करके सोया था. फिर जब मालिश करने लगे तब उसे छीन के रखे. तो अभी आपको क्रियांश का वो क्यूट सा वीडियो दिखाते हैं.